प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करा है। सांसद विश्वकर्मा ने उन्हें युवा विरोधी के रूप में प्रचारित किए जाने की निंदा की है। दक्षिण अंडमान जिला स्तरीय कार्यबल समिति की बैठक उपायुक्त कार्यालय कोटदर में कल होने जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिगंज परिसर में कुमारी युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त कोचिंग व्यवस्था शुरू होने जा रही है और एमबी कुमार आज कोलकाता के लिए प्रस्थान कर रहा है। समाचारों के संघ में शमा हुसैन के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा में कामकाज की गति तेज हुई है। प्रशासन और केंद्र सरकार के विभागों की ओर से अधिकांश परिपत्र और सूचनाएं अब अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी जारी हो रही है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस राम रॉय ने कल कार्य के पुस्तकालय हॉल में नयादास की अर्धवार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया कि हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा दें। बैठक के आरंभ में नयादास की सचिव श्रीमती सुलोचना ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की पूर्वोत्तर क्षेत्र राजभाषा समिति की ओर से नयादास पोबर को सराहनीय कार्यों के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को हिंदी कार्य को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिए गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य संपादन के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य विभाग को प्राप्त हुआ है। बैठक में सरकारी विभागों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सांसद विश्वभर रे ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें युवा विरोधी के रूप में प्रचारित किए जाने की निंदा की है। कल बोधगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा रोजगार के अवसर पैदा किए जाने का समर्थन किया है ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित अंशकालिक शिक्षा कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सलवराज ने कहा कि सांसद के खिलाफ जगह जगह हुए प्रदर्शनों में शिक्षा विभाग से हटाए गए 465 अंशकालिक कर्मचारियों ने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस एसोसिएशन से जुड़े सदस्य 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूर्व उपराज्यपाल द्वारा उन्हें सेवा के लिए पुनः नियुक्ति देने के आश्वासन के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। श्री सलवराज ने प्रशासन से अपील की कि सभी 465 लोगों को पुनः नियुक्ति दी जाए। सांसद विष्णुवर्द रे ने आरोप लगाया कि राज्य सहकारी बैंक में अनियमितताएं हैं, वे आरटीआई के जरिए इसको सामने लाएंगे। तटरक्षक परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से कल तटरक्षक की ओर से एक कार्यक्रम तटरक्षक इंदौर के परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर तटरक्षक के क्षेत्रीय महानिरीक्षक वी एस आर मूर्ति मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, जिससे न सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान बच्चों को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसमें अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कार्यक्रम में वर्ष 2012-13 में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कुल 29 कक्षा के बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष टी वी मोहन और सचिव राजेश पाली ने कई परिषद के अधिकारियों के साथ कोरबा में जवाहर पार्क का दौरा किया। यहाँ मौजूदा पक्षियों का निरीक्षण करने के बाद अध्यक्ष ने इन्हें टोल मीटर तैयार करने के साथ उन्हें पक्का करने के अलावा जल्द से जल्द न्यास में कार का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्णय लिया और इस संबंध में परिषद के अधिशासी अभियंता को तुरंत उचित कार्रवाई करते हुए 45 दिनों में ये कार्य पूरा किए जाने का निर्देश दिया। तथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर कल हिंदी साहित्य कला परिषद में पत्रकारिता का संकल्प और प्रेमचंद विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम कल शाम 6 बजे आरम्भ होगा। दक्षिण अंडमान में बोधगढ़ नगर पालिका क्षेत्र तीन दीप और अन्य प्रदेश के लिए जिला स्तरीय कार्यबल समिति की बैठक के उपाय होगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अनुदान के कारण प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के समाज का
अधिक जानकारी के लिए कृपया जिला प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। आईटीआई डेंगू नियंत्रण और जहाज प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।